हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ओपैम्प की एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है प्रिसिशन रेक्टिफायर यूजिंग ओपैम्प। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि प्रिसिशन रेक्टिफायर यूजिंग ओपैम्प क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफिकेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। किसी भी टिपिकल रेक्टिफायर सर्किट का जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो होता है डायोड। बट जो हमारे टिपिकल रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं, जो कि आप 12th क्लास के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर में स्टडी करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उस केस में अगर आपको रेक्टिफिकेशन करवानी है, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करवाना है, तो आपके इनपुट वोल्टेज जो होगी सर्किट के लिए वो डायोड की कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज से ज़्यादा होने चाहिए। अगर हमारा डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन के लिए जो हमारी कट इन और नी वोल्टेज होती है वो 0.7 वोल्ट होती है। मीन्स अगर आपके इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगी, तभी आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी डायोड जो है वो वर्क कर पाएगा। अगर आपके इनपुट एसी वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट से कम हुई, तो उस केस में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, उस केस में डायोड जो है वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा। मीन्स उस केस में आप एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे टिपिकल रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं, उसमें आप मिली वोल्ट्स एसी इनपुट सिग्नल्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बहुत वीक एसी इनपुट सिग्नल्स को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आपका एसी इनपुट सिग्नल फ्यू मिली वोल्ट्स ऑर्डर का है, तो अगर आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, अगर आप उसको एसी में डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यूज़ करना होगा प्रिसिशन रेक्टिफायर यूजिंग ओपैम्प। इनकी खास बात ये होती है कि ये फ्यू मिली वोल्ट्स तक के एसी इनपुट सिग्नल्स को भी बहुत आसानी से रेक्टिफाई कर पाता है, मीन्स वीक एसी इनपुट सिग्नल्स को भी डीसी में कन्वर्ट कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रिसिशन रेक्टिफायर यूजिंग ओपैम्प। इन अ टिपिकल रेक्टिफायर सर्किट वी यूज डायोड्स टू रेक्टिफाई एसी इनटू डीसी। किसी भी टिपिकल रेक्टिफायर सर्किट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो डायोड्स होता है, और डायोड ही हमारी रेक्टिफिकेशन करके देता है, मींस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। बट दिस रेक्टिफिकेशन मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इफ द इनपुट वोल्टेज टू द सर्किट इज ग्रेटर देन द कट इन और नी वोल्टेज ऑफ द डायोड, दैट इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। बट जो हमारे टिपिकल रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं, जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्लास 12th में डिस्कस करते हैं, उनमें ये लिमिटेशन होती है कि वहां पर रेक्टिफिकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगी, आपका अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब आपका इनपुट वोल्टेज जो आपने सर्किट को दिया है वो डायोड की कट इन या फिर नी वोल्टेज से ज़्यादा हो। अगर आपका डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है, तो उस केस में जो आपकी नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज रहने वाली है वो 0.7 वोल्ट रहने वाली है। जब तक डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम होगी, तो उस केस में डायोड में बहुत ही कम फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है, तो उस केस में डायोड जो है वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। और अगर आपके डायोड की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपका फॉरवर्ड करंट होगा डायोड में वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और उस केस में रेक्टिफिकेशन डायोड कर पाएगा, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर पाएगा। मीन्स अगर आपकी इनपुट वोल्टेज
सिग्नल बहुत वीक है, मिली वोल्ट्स ऑर्डर में है, तो उस केस में आपके टिपिकल रेक्टिफायर सर्किट जो है वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस केस में जो इनपुट वोल्टेज होगी सर्किट को दी हुई वो डायोड की कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज से कम रहेगी, मीन 0.7 वोल्ट से कम रहेगी, तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। टू ओवरकम दिस इशू द प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प वाज इंट्रोड्यूस विच इज कैपेबल ऑफ रेक्टिफाइंग इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट्स। तो आपका इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल अगर फ्यू मिली वोल्ट्स के ऑर्डर का है, मींस इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, वीक इनपुट एसी सिग्नल्स हैं जिसको आपको रेक्टिफाई करना है, जिसको आपको डीसी में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आपको यूज़ करना होगा प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प एंड फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प के बारे में। प्रिसीजन रेक्टिफायर ऑप एम्प को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है हमारे पास हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प और एक होता है हमारे पास फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प को डिस्कस करेंगे जो कि है हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प। तो यहाँ पर आप हेडिंग बनाएंगे हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प। तो ये करता क्या है, पहले आप ये लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट विच कन्वर्ट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल इनटू डीसी आउटपुट सिग्नल। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर है ये, मींस ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ही करेगा, मींस ये इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही डीसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए आपका ये है आपके पास इनपुट एसी सिग्नल जिसमें दो पोलैरिटीज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज योर इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल वीआई। तो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट एसी सिग्नल का, तभी आपको आउटपुट में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल देखने को मिलेगा, और जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो उस केस में आउटपुट में कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट एसी सिग्नल का, फिर आपको आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल देखने को मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो आउटपुट रहेगी यहां पर वो जीरो रहेगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका काम। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर के प्रिंसिपल को समझें, सबसे पहले आप देखिए इसका सर्किट डायग्राम। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग ऑप एम्प। ये हमारे पास ऑप एम्प है और ये हमारे पास डायोड है, मींस एक ऑप एम्प और एक डायोड से आपका हाफ वे प्रिसीजन रेक्टिफायर जो है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर जिस इनपुट एसी वोल्टेज को आपको रेक्टिफाई करना है उसका सोर्स जो है वो ऑप एम्प के पॉजिटिव टर्मिनल में, मींस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायोड डी है उसे हमने कनेक्ट किए हैं टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प के साथ, और जो आपको रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलेगी वीओ वो इस लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस मिलेगी। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी वोल्टेज मिल रही है उसे आपको फीडबैक कराना है टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प में, तभी ये काम कर पाएगा एज अ रेक्टिफायर। और यह है आपके पास इस ऑप एम्प की सप्लाई वोल्टेजेस जिसको हम प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन से डिनोट करते हैं, मीन्स ऑप एम्प जो है वो इन्हीं वोल्टेजेस लेवल्स के बीच में काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, हेडिंग बनाइए कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑप एम्प एंड अ सिंगल डायोड। यहां पर आपको एक सिंगल ऑप एम्प और सिंगल डायोड देखने को मिलेगा। अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। जिस एसी वोल्टेज को आपको रेक्टिफाई करना है उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल के सोर्स को आपको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प में, मींस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प के साथ कनेक्ट करना होगा। द रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी वोल्टेज इज ऑब्टेंड अक्रॉस आरएल व्हिच इज फेड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। जो आपको रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलेगी वो इस लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस मिलेगी, जिसको आपको फीडबैक कराना होगा टू द नेगेटिव टर्मिनल, मींस इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प में। तो स्टूडेंट्स,
यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या बनेगा, अगर आपको आरएल के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, वी जीरो है वोल्टेज अक्रॉस आरएल, तो अगर आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, यहाँ पर रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पर डायोड के अक्रॉस आपको करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि वी जीरो की फॉर्म में अपीयर होगा। और डायोड जो है तभी कंडक्ट करता है, तभी इसमें से करंट फ्लो होता है जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, और अगर डायोड रिवर्स बायस हुआ तो उस केस में आपको आरएल के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स डायोड जब करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, जब ये रिवर्स बायस होगा, तो उस केस में आरएल के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है इसका प्रिंसिपल। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड डू नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, मींस डायोड में से करंट पास नहीं होता जब रिवर्स बायसिंग इसकी की जाती है। तो डायोड को फॉरवर्ड बायस कैसे करना है, रिवर्स बायस कैसे करना है, वो इस हम ओपैम की हेल्प से कंट्रोल करेंगे, और इसी ओपैम की हेल्प से और इसी डायोड की हेल्प से आपको आरएल के अक्रॉस डीसी आउटपुट वोल्टेज दिखाई देगी। ये इसकी वर्किंग में कैसे होगा, ये सबको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं वर्किंग ऑफ हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर के बारे में। अगर आप हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर की वर्किंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको कंपैरेटर यूजिंग ओपैम की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसकी वर्किंग को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कंपैरेटर यूजिंग ओपैम जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर हमने कुछ खास चीज़ें जानी थी। वो क्या चीज़ें थी, वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये है हमारा ओपैम्प है, ये है प्लस वी सेचुरेशन, ये है माइनस वी सेचुरेशन, दो टर्मिनल्स हैं इसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मींस नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग। जो पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसे हम डिनोट करेंगे वी पॉजिटिव से, और इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई होती है उसे हम डिनोट करते हैं वी माइनस से। तो अगर आपका वी प्लस वी माइनस से ज़्यादा हुआ, अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज से ज़्यादा हुई, तो इस ओपैम की जो आउटपुट होगी, जिसको हम वी जीरो डैश से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगी, वो होगी आपके पास प्लस वी सेचुरेशन। अगर आपकी पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज से ज़्यादा हुई, तो आपकी जो आउटपुट होगी ओपैम की वो प्लस वी सेचुरेशन होगी। पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा है, पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज ज़्यादा है, तो आपको आउटपुट में ओपैम की आउटपुट में प्लस वी सेचुरेशन मिलेगा। और अगर आपके पास नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज से ज़्यादा है, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज जो है वो माइनस वी सेचुरेशन मिलेगी। ये हमने जाना था जब हम पढ़ रहे थे कंपैरेटर यूजिंग ओपैम को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी वर्किंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे। आइए इसकी वर्किंग को समझते हैं। इसकी वर्किंग को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। जब आपका एसी इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो ये सर्किट जो है वो कैसे वर्क करेगा, आइए उसको जानते हैं। मान लीजिए आपका सिग्नल यहाँ पर है, इनपुट सिग्नल अभी जीरो है, तो उस केस में आउटपुट सिग्नल भी यहाँ पर जीरो होगा। तो इस केस में इनिशियली यहाँ पर आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो है, तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई की जा रही है, तो वी माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और आपका अब आपने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो फीड कर दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल जो है वो इनपुट में दे दिया, तो वी पॉजिटिव जो है वो जीरो से ज़्यादा हो जाएगा। मींस इस केस में वी पॉजिटिव जो है वो ग्रेटर देन होगा वी नेगेटिव से, जो कि जीरो वोल्ट्स है। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, वी पॉजिटिव ज़्यादा है वी नेगेटिव से, तो आपको आउटपुट में वी जीरो डैश जो है वो प्लस वी सेचुरेशन के बराबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट्स। तो इस केस में जो आपका डायोड का ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव जो है वो प्लस वी सेचुरेशन से कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, मीन्स डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा, और डायोड जो है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उस केस में यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगी। जब डायोड जो है वो कंडक्ट करना शुरू होगा, तो ये
शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो आपका सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये जो आपका सर्किट डायग्राम बना है ये बिल्कुल सेम है, सिमिलर है टू द सर्किट डायग्राम ऑफ ऑपैम्प एज वोल्टेज फॉलोअर के। ये वोल्टेज फॉलोअर बन गया। अब वोल्टेज फॉलोअर में क्या होता है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन जो है वो यूनिटी होता है, और क्लोज लूप वोल्टेज गेन को हम डिनोट करते हैं ए वी एफ से, जो कि रेशो होता है आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज का। आउटपुट वोल्टेज है वी जीरो और इनपुट वोल्टेज है वी इन, और वोल्टेज फॉलोअर के केस में ये वैल्यू यूनिटी होती है, तो वन इक्वल टू वी जीरो बाय वी इन आ जाएगा। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज जो है वो वी इन के बराबर होगी, मीन्स आपके आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगी। तो जैसे जैसे आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा वैसे वैसे आपको आउटपुट में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। अब इनका फेस सेम रहेगा कि चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि आपने इनपुट एसी सिग्नल कहां पर अप्लाई किया है। आपने इनपुट सिग्नल जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है, तो यहां पर आपकी आउटपुट वोल्टेज का जो फेस होगा वो आपके इनपुट एसी सिग्नल के फेस के जैसा ही होगा। तो जैसे आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा और आपको आउटपुट जो है वो इनपुट सिग्नल को फॉलो करती हुई मिलेगी, वो भी सेम फेस में। ये है फर्स्ट पॉइंट की वर्किंग जो आपको अब वर्ड्स में लिखनी है। तो आइए देखते हैं जब आपके इनपुट एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में क्या होगा। इन दिस केस वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, दैट इज जीरो वोल्ट। जब यहां पर आपका इनपुट वोल्टेज जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज भी जीरो है, तो इनिशियली आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो है, जो कि यहां पर हम फीडबैक कराएंगे टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑप-एम्प में, मीन्स यहां पर वी नेगेटिव जो है वो इनिशियली जीरो वोल्ट होगा। तो जैसे ही आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे इनपुट एसी सिग्नल का, तो यहां पर वी पॉजिटिव जो कि इस इनपुट एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो है वो क्या होगा, जीरो वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में आपकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी ऑप-एम्प की वी जीरो डैश वो प्लस वी सैचुरेशन के बराबर हो जाएगी। इस केस में वी पॉजिटिव जो है वो वी नेगेटिव दैट इज जीरो वोल्ट से ज़्यादा होगा। सो आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप-एम्प वी जीरो डैश विल बी प्लस वी सैचुरेशन, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज से ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर आउटपुट में आपको प्लस वी सैचुरेशन मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड हेंस विल कंडक्ट। तो यहाँ पर डायोड का पॉजिटिव जो है वो प्लस वी सैचुरेशन से कनेक्ट हो गया है, तो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और कंडक्ट करना शुरू कर देगा एंड बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। इन दिस केस सर्किट वन रिड्यूसेस टू सर्किट टू। तो यहाँ पर डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस सर्किट डायग्राम को आप दोबारा से रीड्रॉ करेंगे, जिसमें आप इस डायोड को शॉर्ट सर्किट दिखाएंगे इस तरह से। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, मीन्स डायोड जो है वो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो सर्किट डायग्राम वन जो था वो अब सर्किट डायग्राम टू में कन्वर्ट हो चुका है। ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना होगा, विच इज सिमिलर टू द ऑप-एम्प एज वोल्टेज फॉलोअर। तो जो आपको सर्किट डायग्राम टू मिला है ये बिल्कुल सेम है, वोल्टेज फॉलोअर यूजिंग ऑप-एम्प के जैसा ही है बिल्कुल, जिसका हुज क्लोज लूप वोल्टेज गेन ए वी एफ विल बी यूनिटी, और वोल्टेज फॉलोअर यूजिंग ऑप-एम्प का जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन होता है वो यूनिटी होता है। क्लोज लूप वोल्टेज गेन को हम ए वी एफ से डिनोट करते हैं, जो कि रेशो होता है आउटपुट वोल्टेज वी जीरो टू द इनपुट वोल्टेज का, जो कि यूनिटी होगा। मीन्स वी जीरो जो है वो वी आई के बराबर होगा, मीन्स आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज को यहाँ पर फॉलो करेगी। इसके बाद आपको दो लाइन्स और लिखनी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल जो हमारा सर्किट होगा वो एज अ वोल्टेज फॉलोअर की तरह बिहेव करेगा, और क्योंकि वोल्टेज फॉलोअर का क्लोज लूप वोल्टेज गेन यूनिटी होता है, तो वहां से हमें मिल गया था कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इनपुट वोल्टेज के बराबर ही होगी। इसका क्या मतलब है, आइए वो लिखते हैं। हेंस आउटपुट वोल्टेज विल फॉलो द इनपुट वोल्टेज। तो जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो आपकी इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगी। अगर आपकी इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो आपकी आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी। ऑल्सो एज वी हैव गिवन इनपुट एसी सिग्नल टू द नॉन इनवर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप-एम्प, सो द आउटपुट सिग्नल विल बी इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। और साथ के साथ क्योंकि हमने इनपुट एसी सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल में दिया है, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल में दिया है,
तो आपके आउटपुट वोल्टेज का फेज जो है वो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा टू द फेज ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। जो आपका इनपुट एसी सिग्नल का फेज होगा वही आपके डीसी आउटपुट सिग्नल का भी फेज होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग का सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके इनपुट एसी सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये सर्किट डायग्राम किस तरह से वर्क करेगा, वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं वर्किंग के सेकंड केस की, जो कि है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। जब आपके इनपुट एसी सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ये वो देखते हैं। जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पॉइंट पर एंड हुआ, यहाँ पर ए पॉइंट पर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके आउटपुट वोल्टेज थी वो भी जीरो होगी है। मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल के स्टार्ट होने के टाइम पर आपके आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो थी। मीन्स यहाँ पर वी जीरो जीरो था, तो वी जीरो जीरो था जो कि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई किया जा रहा है, तो वी माइनस जो है वो यहाँ पर जीरो वोल्ट है। तो अब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो बढ़ना शुरू होगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जो आपकी यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि आपका इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर दिया जा रहा है। नेगेटिव जो है वो जीरो से कम होता है, तो मीन्स इस केस में ये वोल्टेज जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज जो है वो इस टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी, तो इस केस में आपको आउटपुट वोल्टेज में माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा, यहाँ पर माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा। तो मीन्स डायोड का यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था वो माइनस नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट हो गया, तो डायोड डी जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। मींस ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम नंबर 3। तो इस केस में यहाँ पर करंट का जो फ्लो था वो टूट जाएगा, यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगा, तो इस केस में करंट फ्लो होने की ना होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी जो है वो जीरो रहेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आपको आउटपुट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, यही इसकी वर्किंग में अब आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप लिखेंगे इन दिस केस वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव, दैट इज वी आई, सो वी जीरो डैश विल बी इक्वल टू माइनस वी सैचुरेशन। जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पर खत्म हुआ था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज भी जीरो हो गई थी, तो यहां पर इनिशियली जीरो वोल्ट था आउटपुट में, तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑप एम्प पर फीड की जा रही है, तो मीन्स यहां पर वी माइनस जो है वो जीरो वोल्ट होगा। और यहां पर आप दे रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, मीन्स वी पॉजिटिव जो है, मीन्स यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई की गई वोल्टेज जो है वो जीरो वोल्ट से कम हो जाएगी, तो मींस ये जो है नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई की गई वोल्टेज इस टर्मिनल पर अप्लाई की गई वोल्टेज से ज्यादा है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज में यहां पर माइनस वी सैचुरेशन देखने को मिलेगा। यही आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सो डायोड विल बी रिवर्स बायस एंड विल नॉट कंडक्ट एंड बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम 3। तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज ऑप एम्प की माइनस वी सैचुरेशन होने की वजह से डायोड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है, मीन्स डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो आपको एक और सर्किट डायग्राम जो है बनाना होगा, जिसको हम बोलेंगे सर्किट नंबर 3, जिसमें डायोड को आपको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हुए दिखाना होगा। इन दिस केस नो करंट फ्लोज थ्रू RL एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज वी जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में RL के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो RL के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो रहेगी। मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज नहीं देखने को मिलेगी, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर आपको आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल देखने को मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान फिर आपको आउटपुट नहीं देखने को मिलेगी। तो ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होती रहेगी और आपको आउटपुट मिलेगी कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल ओनली। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ओपैम्प हमने पढ़ लिया है। जो आपका फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर होगा यूजिंग ओपैम्प, वो काफी लेंथी टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर।